हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले भारतीय क्रिकेट के गंभीर युग में जीत के साथ शिव कुमार यादव का उदय हुआ। भारत ने पहले दोनों मैच में श्रीलंका को हराकर सीरीज में 2-2 भी ली। अब सीरीज का लास्ट मुकाबला बचा हुआ है, तो आइए बात करते हैं सीरीज के थर्ड एंड लास्ट T20 मैच में, जिसमें श्रीलंका और भारत आमने सामने होंगे। यह मैच 30 जुलाई को पैलिकल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों वीडियो का आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सीजनिंग अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। आगे बात करते चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम लगभग क्लियर रहेगी, धूप भी अच्छी रहेगी और ह्यूमिडिटी 74% रहेगा और टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं। अब तक हुए दोनों मैच में खूब रन भी बन रहे, पिच पूरी तरह से बैटर फ्रेंडली है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है विकेट धीमा होता जाता है, जिससे स्पिनरों को और मदद मिलती है, जो मिडिल ओवर में इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। ड्यू फैक्टर यहाँ पे इफेक्टिव है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जो कि बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 54% जीतने का चांस है, तो बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 38% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का स्कोर 169 है, तो इन पर सेकेंड इनिंग का स्कोर 147 है। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड भी देख लेते हैं लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे इंडिया 7 मैच जीत के आ रही है, वहीं पर श्रीलंका 3 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम इंडिया का शॉट एनालिसिस करेंगे। पहले दोनों मैच में भारत ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दोनों मैच आसानी से जीत लिए। टीम के बैटर्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। अब इस लास्ट मैच में टीम अपने बेंच स्टैंड को आजमा सकती है। ओपनिंग में बात करें जो कि यशस्वी जायसवाल 2 मैच में 70 रन बना चुके हैं। शुभम गिल नेक पेन के चलते लास्ट गेम से बाहर थे, उनके जगह संजू सैमसन को जगह मिली थी। नंबर 3 पर जो कि कप्तान शुक्रमार यादव, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा 84 रन बनाए। मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत है, हार्दिक पांड्या। लोअर ऑर्डर में आपको रियान पराग, रिंकू सिंह को ज़्यादा मौका नहीं मिला। बॉलिंग में थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है। फास्ट बॉलिंग में आपको असदीम, जो कि अब तक 4 विकेट लिए हैं, मोहम्मद सिराज अब तक फ्लॉप चल रहे हैं। स्पिन बॉलिंग में अक्षर पटेल हैं, रवि बिश्नोई जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बिश्नोई ने लास्ट गेम में 3 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच भी थे और रियान पराग भी बॉलिंग कर रहे हैं। अब अगर बात करते हैं इंडिया का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि संजू सैमसन है, यशस्वी जायसवाल है, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत है, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह है, शिवम दुबे, अक्षर पटेल है, रवि बिश्नोई है, हर्षदीप सिंह है, खलील अहमद है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि यशस्वी जायसवाल है, सूर्य कुमार यादव है, रवि बिश्नोई है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी श्रीलंका का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। पहले दोनों T20 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद श्रीलंका हार गई। टीम के लिए उसके ओपनिंग बैटर बहुत ही पॉजिटिव रही है, लेकिन मिडिल ऑर्डर फ्लॉप चल रहा है। अच्छा स्टार्ट के बाद टीम क्लैश कर जा रही है। प्रथम दिन शंकर, जो कि टीम के बेस्ट बैटर है, उन्होंने अब तक 111 रन बनाए। कुशल मेंडिस और कुशल पेरा जो कि फॉर्म में दिख रहे हैं, रन भी बना रहे हैं। बाकी सभी बैटर फ्लॉप चल रहे हैं, जिसमें आपको कमिंदू मेंडिस, कप्तान असलंका, दर्शन सनाका खेल रहे हैं, वनदू हसंगा भी अब तक बेअसर दिखे। श्रीलंका का बॉलिंग अटैक अब तक फ्लॉप चल रहा है, बॉलर्स के विकेट नहीं निकाल पाए। उसके पास फास्ट बॉलर स्पिनरों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। बॉलिंग में आपको मथीस पथिक्सना, असिता फर्नांडो जो कि काफ़ी अच्छे रन भी पिटवा रहे हैं, वहीं पे मथीसा पथिराना अब तक सबसे ज़्यादा 5 विकेट लिए। लेकिन अगर पिच थोड़ी सी धीमी हो तो बॉलर्स काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। अब बात करते हैं श्रीलंका का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि चयित असलंका है, प्रथम निशांका, कुशल मेंडिस है, कुशल परेरा, कमिंडू मेंडिस है, चमिंडू विक्रम सिंह, वनिधु हसंगा, महेश थिस्ना, मथीसा पथिराना, रमेश मेंडिस है, सीता फर्नांडो। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि कुशल मेंडिस है, प्रथम निशांका, वनिधु हसंगा। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं चलते हैं प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। भारत ने पहले ही सीरीज में जीत लिया। दोनों टीम के परफॉर्मेंस कार्ड को देखते हुए भारत यहाँ पे मजबूत लग रहा है, लेकिन श्रीलंका अपने होम कंडीशन में अच्छा खेल सकती है। अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों टीम के स्क्वाड एक्सटेंड को देखते हुए हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर इंडिया होगा। यहाँ सीरीज क्लीन स्वीप इंडिया जीत कर जाएगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।